नमस्ते अंकल। विस्की यंग मैन? क्या अंकल, आप भी? मैं कोई खानदानी दारूबाज लगता हूँ जो हर वक्त चढ़ाता रहूं, मगर आप तो पियो पियो अंकल। अंबा, अंबिका, अम्रपाली, अमिता, अमूल्या। माँ को अंबिका पसंद है, भाभी को अमूल्या, मुझे कुछ भी चलेगा। आप क्या कहते हैं? मैं समझा नहीं। नाम आपकी बेटी के लिए? कैरन? अब नया नाम तो रखना ही पड़ेगा ना, शादी के बाद क्रिश्चियन थोड़ी ना रह जाएगी वो। और हमारे पंडित जी कहते हैं कि जन्म तिथि के अनुसार कर्क राशि में उसका नाम अम से शुरू होना चाहिए। अम? What? What the hell are you talking about, young man? Conversion का बात तो कोई नहीं किया। इसीलिए तो यंग मैन आया है यहाँ पे बात करने। देखिए हम लोग, एक मिनट, आपकी बेटी ने नॉनवेज तो छोड़ दिया है ना? नो मीट, नो चिकन, नो एग्स, नन ऑफ ब्लडी नॉनसेंस, शुद्ध शाकाहारी। और जब शादी के बाद वो आपसे मिलने आएगी तो ये घर भी शुद्ध शाकाहारी। और ये, खैर अभी तो ठीक है, मगर शादी के वक्त जब आप पूजा में बैठेंगे तो। कौन पूजा? पूजा में नहीं बैठेंगे आप लोग? जिस नस्कल ने कहा हम पूजा करेंगे? डैड, वो तो कह रहे थे कि सब कुछ ऑब्वियस है, फर्नांडिस भी समझदार है, ये आप सब कर लेगा। बट भैया सेड नो, बुढ़े की मोटी खोपड़ी में बात बैठी नहीं होगी, तुम जाके समझाओ। और मैं आ गया। I can't believe this conversation. Oberoi, Naren, उस वक्त तो कितना सेक्युलर बन रहे थे, और तुम? हाँ? तुम तो कह रहे थे तुम रिलिजन को नहीं मानते जब तुम मैरिज प्रपोज करने आए थे। शादी शादी, I mean, हमारे समाज में मैरिजेस नहीं होती। अच्छा, अब याद आ रहा है तुम्हारा अपना समाज। मिस्टर फर्नांडिस, प्लीज हमारे समाज के विरुद्ध कुछ ना कहिए, ये हमारे रिवाज हैं। और अंबिका की खातिर आपको इनका पालन करना ही पड़ेगा। अंबिका? अंबिका ही बेस्ट नाम लग रहा है मेरे ख्याल से। तुम अपने ख्याल अपने पास रखो, यू जर्क। तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग माइनॉरिटी है तो तुम लोग हमको दबा दोगे और हम दब जाएगा? चलो, मेरे बिना बोले ही आप समझ गए, बाकी सब भी आप समझ जाओगे। चलो अच्छा हुआ ये बातें हो गई, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए। नाउ फॉर सम विस्की अंकल। आउट, आउट ऑफ माय हाउस। अंकल चिल, आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो रहे हैं? गर्म? अगर मैं गर्म हो जाता तो तेरी डेड बॉडी जाती थी यहाँ से। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, शादी तोड़ने से पहले आप जरा सोच लीजिए। अच्छा है कि मैं सिर्फ शादी तोड़ रहा हूँ, तेरी गर्दन नहीं। ऐसी बातें मत कहिए अंकल, मैं जानता हूँ कल आप खुद सर झुकाकर कारण को हमारे घर भेजेंगे। तुम जैसा कमीना लोग का घर में कोई अपना कुतिया भी नहीं भेजेगा। मिस्टर फर्नांडिस प्लीज, ये बात हमारे दोनों के बीच है, आप कैरन को कुतिया मत कहिए। Sad. What the hell? You rascal! I'll kill you! तेरा बदन की सब हड्डी तोड़ के तेरा बाप के हाथ में दे देगा। Next time I see you, you're dead. Ah shit! Whoa, man. वो शादी तोड़ देगा। I did it. सुना मैंने। Shit. Shit, Karen. यू विच चरण, क्या हुआ? अच्छा, तुमको तो पता ही नहीं क्या मुझे हुआ? सच में नहीं पता क्या हुआ? ओह, सो इनोसेंट, हाँ, लाइक अ बेबी। यही मासूम चेहरा बना के तुम फंसाती हो लड़कों को, हाँ? गोवा जाके तुम दोनों की हेल्प करूंगी। प्रॉब्लम क्या है? एक्सक्यूज मी, मेरे फियांसे के दिमाग में पॉइजन भर रही है ताकि वो मेरे घर आए और रिश्ता तोड़ दे। आई नो, ओके, तुम्हारी वजह से वो मुझे अवॉइड कर रहा है। अदिति, डोंट ट्राई टू फूल मी, ओके? कौन फियांसे? विरेन,
विरेन कुछ कंफ्यूजन है, सच में मैं सच्ची नहीं जानती। कट दिस नाटक अदिति, ऑलराइट, यू आर एन इनसिक्योर वुमन। मौका मिलते ही तुम उसे चिपक गई और सांप की तरह धीरे धीरे करके उसे फंसा लिया। बट अदिति रिमेम्बर, जस्ट रिमेम्बर दिस, वो एक बार फिसल गया होगा इसका मतलब ये नहीं वो मुझे छोड़ देगा। तुम्हारा जो बकवास प्लान है ना अदिति, वो कभी पूरा नहीं होगा। आई जस्ट नीड टू टेल यू दैट। आंटी, समझ गई मैं, ये जो लड़की कह रही थी सब झूठ था। गोपाल ने जो देखा वो भी सब झूठ था। गोवा जाने वाली बात भी झूठी थी। सोनल ने जो कहा कि वीरेन ने तेरा हाथ पकड़ा, वो सब झूठ था। मेरी सारी दुनिया ही झूठी है, बस तू एक सच्ची है, यही तो कहना चाहती है ना? दोस्त, ये स्टेप पार कर लिया तूने तो सब कंट्रोल में। हाँ। अंकल को सब बोल देना, डरना मत। डरता नहीं हूँ, ओके, रिस्पेक्ट करता हूँ, बाप है मेरा। हाँ हाँ, करनी भी चाहिए। तू जा, ऑल द बेस्ट। मैं हूँ यहाँ पर। देखिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। जी जी नहीं, ना मैं कुछ सुनना चाहता हूँ ना कहना चाहता हूँ। प्लीज आप फोन रख दीजिए। हद हो गई, आप सुनने को भी तैयार नहीं है क्या? हमें शौक है आपसे बात करने का? देखिए मिस्टर ओबेरॉय, मैं अपनी भांजी की शादी तय कर रही हूँ, और अगर आपका लफंगा बेटा यहाँ आस पास भी नजर आया। अरे मेरा बेटा तुम्हारे घर थूकने भी नहीं आएगा, समझे आप? खबरदार दोबारा यहाँ फोन किया तो। क्या बोल रही थी डैड? गुड इवनिंग डैड। कुछ नहीं, वही रट लगा रखी है कि ये अभी भी मल्होत्रा की भांजी में इंटरेस्टेड है। रिडिकुलस। उन्हें क्या मालूम है कि भाई साहब ने जमाने की नाक में दम कर रखा है कैरन के लिए। सुनो, अगर ये लड़की तुम्हें कहीं मिले ना तो फ्रेंडली होने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? कौन? अरे मल्होत्रा की नीस यार। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग बहुत ही घटिया लोग हैं, और आफ्टर ऑल ये लड़के और लड़की का मामला है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिससे ये लोग हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। हाँ। कम है 27 सितंबर, कैसा रहेगा तुम्हारी शादी के लिए? डैड, वो क्यों, सितंबर बहुत जल्दी है क्या? नहीं, बहुत दूर है शायद। अरे बिग ब्रदर, समझाओ अपने किड ब्रदर को। समझ जाओ किड ब्रदर, जब 3 साल हिम्मत रखी है तो 3 महीने और सही। देखो, अभी तक हमने शादी की डेट तय नहीं की है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अरे भाई कुछ तो कहो। कुछ नहीं। तो 27 सितंबर में पक्का समझो? जी। फाइनल जवाब? फाइनल जवाब। आज अभी इसी वक्त अदिति। हाँ, थैंक गॉड, 20 बार फोन ट्राई किया मैंने तुम्हारा। अच्छा, कैरन आई थी क्या? वीरेन, हो सकता है हम आखिरी बार मिल रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुन। ऐसा क्यों बोल रही हो? वीरेन, तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है, अंदर मेरी शादी की बात चल रही है, हमारा फैसला हो चुका है। व्हाट यू मीन हमारा फैसला हो चुका है? हमारा फैसला हम करेंगे, कोई दूसरा करेगा? मेरी सिचुएशन को समझो तुम वीरेन, अंकल आंटी ने 7 साल मुझे रखा है, बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब कोई रास्ता नहीं है। अब तुम ऐसा नेगेटिवली सोचोगी ना तो फिर ऑब्वियसली कोई रास्ता नहीं होगा। और
तुम कैसे समझाओगे सबको कि अब तुम्हें कैरन पसंद ही नहीं है? वही कैरन जिसके लिए तुमने सबसे लड़ाई की, जिसके तुमने सपने देखे थे। ये सपने सच क्यों हो जाते हैं यार? और होना ही था तो फिर मैंने तुम्हारा सपना क्यों नहीं देखा? मैं सपना नहीं थी वीरेन, मेरे लिए तुम्हें बस एक बार हाँ कहना था। तुम्हें हाँ ही तो कह रहा हूँ ना, मैं हाँ ही तो कह रहा हूँ। अपनी आंखें खोलो वीरेन, फॉर गॉड सेक बी प्रैक्टिकल यार। हमें हमेशा जो चाहिए वो नहीं मिलता है वीरेन। लिसन टू मी, मैं कैरन के फादर से मिला था। कोई आ रहा है वीरेन, मैं जा रही हूँ। ओके ठीक है, तुम जल्दी वापस आ जाना, मैं यहीं वेट करता हूँ। हम फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ओके अब कुछ नहीं करना वीरेन, मैं नहीं आऊंगी वापस। बाय। तुम हार क्यों मान रही हो? हाँ सुनो मेरी बात वीरेन, प्लीज अब कुछ मत करना। मैं कह रही हूँ कुछ नहीं हो सकता। बाय। हो सकता है आदित्य, तुम तैयार है ना? नहीं वीरेन, अब कुछ मत बोलना। बाय दीदी। सुनो। बाय वीरेन। आपको बुला रहे दीदी। चल